दिल्ली की INA मार्केट के DDA दफ्तर के सामने सैकड़ों लोगों ने कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग DDA के फ्लैट से खरीदार हैं और इनका आरोप है कि 2014 और 2017 में जो फ्लैट्स का आवंटन हुआ उसमें DDA की ओर से बड़ी धांधली की गई है। लोगों को LIG फ्लैट्स की जगह EWS के फ्लैट्स दिए गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कॉम्प्लेन यहाँ पर VC से कई बार कर चुके हैं और अभी हम लेटर भी भेजे हैं, हरदीप सिंह पुरी जी के पास भी भेजा है, PMO ऑफिस में भी भेजा है, LG ऑफिस में भी भेजा है, बहुत सारे लेटर्स लिख लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फ्लैट्स खरीदारों का कहना है कि जो EWS कैटेगरी वाले फ्लैट्स उन्हें दिए गए हैं उनकी कीमत महज 7 लाख रुपए के आसपास है, जबकि LIG कैटेगरी वाले फ्लैट्स के लिए उनसे 16 से लेकर 22 लाख रुपए तक लिए गए थे। पिछले 4 सालों से इन लोगों की शिकायतों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।